देश के लिए दुश्मनों के सामने सरहद पर अपना सीना तानकर हमारी रक्षा करने वाले जवान अपनी बहनों को याद कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे अपनी बहनों की राखियों को, याद कर रहे होंगे अपनी बहनों के प्यार को, क्योंकि रक्षाबंधन जैसा पवित्र और महान पर्व आने वाला है। सरहद पर मोर्चा संभाले इन वीर जवानों को बहन का प्यार ना तड़पाए, इसलिए गुजरात के वडोदरा में रहने वाली ये बहनें सरहद पर तैनात अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर देश की रक्षा कर रहे जवानों की बहनों ने पूरी दुनिया से राखी भेजी है। हजारों की संख्या में पहुंची राखी की पूजा की गई, जिसे रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर सियाचिन से लेकर दुर्गम इलाकों में देश की रक्षा करने वाले जवानों के कलाइयों में बांधा जाएगा। वडोदरा में पिछले कई साल से जवानों को राखी भेजने का चलन है। आज भी उसी तर्ज पर देश और विदेश से आई हजारों राखियों का पूजन किया गया और आरती उतारकर फौजी भाई सुरक्षित और महफूज रह सके, इसके लिए कामना की गई। कुछ लड़कियां हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी बताइए क्या फीलिंग हो रही है जब आप यहाँ पर राखी का पूजन कर रहे थे। देखिए, सरहद पे जो जवान है हमारे, वो हमारे लिए, हमें बिना जाने हमारे लिए वहाँ पे लड़ते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, कड़ी से कड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो उनके लिए हम एक छोटी सी राखी बेच के उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांध के उसे अपने लिए प्रोटेक्शन मांगती है, वैसे हम भी उन्हें राखी बेच के हम भी कहना चाहते हैं कि हम आपकी बहनें यहाँ पे है, आपके लिए प्रार्थना कर रही है, और ऐसे ही हम लोग हर साल करते रहेंगे।